प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाजिया है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आपको तीसरी जमात की दर्सी किताब का सबक सेब और पापड़ का तारुफ दूंगी। तो आइए सबक के तारुफ की तरफ चलते हैं। तारुफ है, इस सबक में ये बताया गया है कि पापड़ और बाजार की गंदी चीजें खाने से इंसान की सेहत खराब हो जाती है। सेब और इस जैसे दूसरे फलों के खाने से सेहत अच्छी रहती है। अब आइए सबक सेब और पापड़ की बुलंदख्वानी करते हैं। मेरे साथ उंगली रखकर ऊंची आवाज में आप भी पढ़िए। अरे ये इतना शोर किसने मचाया हुआ है? लगता है किसी की लड़ाई हो रही है। ये तो आपस में कोई बातें कर रहा है। कौन है ये? आइए पढ़िए और जानिए। पापड़। भाई सेब मियां, आजकल तो हमारा दौर है, बच्चे हमें शौक से खाते हैं, मजे ले लेकर, आहा आहा। ऐसे सेब रहने भी दो, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, तुम्हारे खाने का क्या फायदा? पापड़। फायदा नुकसान तो तुम जानो, हमें तो ये पता है के बच्चे मजे मजे का जायका चाहते हैं, चटपटा मसालेदार और करारा करारा। ये सब हम बच्चों को देते हैं। आइए अब हम दूसरे पेज की तरफ यानी दूसरे सफे की तरफ चलते हैं। से थोड़ी देर का मजा, फिर बीमारी, नजला, जुकाम, गले की सूजन और खांसी, खू खू खू। पापड़। भाई देखो, मेरी बहुत सी किस्में हैं, बच्चों को लज्जत भी मिलती है और पेट भी भर जाता है। तुम्हारी तो बस एक किस्म है और एक ही जायका, सेब। जी नहीं, तुम्हारी मालूमात कम है, मेरी भी कई इकसाम और रंग है, कुल्लू, सुनहरा और कश्मीरी, जर्द, हल्का सब्ज, गुलाबी और सुर्ख मेरे रंग हैं, और जायके और फायदे में तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं। तुमने सुना नहीं, एक सेब खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, बीमार नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। आइए अब हम सफा नंबर तीन यानी सबक के तीसरे पेज पे चलते हैं। पापड़। भाई तुम ऐसा क्या जादू करते हो? से जादू नहीं, ये हकीकत है, मुझे कुदरत खुद तैयार करती है। मेरे जरिए इंसान को ताकत हासिल होती है, इस ताकत की वजह से इंसान बीमारियों से लड़ सकता है। मुझे खाने से बच्चों का हाफजा अच्छा होता है, अच्छी सेहत की वजह से अच्छी तरह खेल कूद भी कर सकते हैं। मैं इंसान की सेहत की हिफाजत करता हूँ, मैं खून भी बनाता हूँ। पापड़। ठीक है, तुम ये सब कुछ जरूर करते होगे, मगर बच्चे तो मुझे ही पसंद करते हैं ना। से जी नहीं, अकलमंद बच्चे ऐसा नहीं करते, वो मुझे ही शौक से खाते हैं और मेरे दूसरे साथी फलों को भी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर फल में बहुत सारी खूबियां रखी हैं। आइए अब हम सबक के चौथे सफे की तरफ चलते हैं। पापड़। आहिस्ता बोलो, कहीं कोई बच्चा सुन न ले और मुझे खाना न छोड़ दे, बल्कि मैं चलता हूँ। से अल्लाह ताला
सारे बच्चों को तुम जैसे शहद के दुश्मनों से महफूज रखे। पापड़, भागो रे भैया भागो। आइए अब हम नए अल्फाज के मायने की तरफ चलते हैं। अल्फाज मायने। पहला लफ्ज है दौर, यानी वक्त या जमाना। नंबर टू या नंबर दो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। नंबर तीन, हाफजा यानी याददाश्त। नंबर चार, जायका यानी मजा। आइए अब हम आपको जुमलों में इस्तेमाल का तरीका बताते हैं कि लफ्जों को किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको मश्क नजर आ रही होगी। दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज है लज्जत, इसका क्या जुमला बनेगा? तमाम फल लज्जत से भरपूर होते हैं। अगर आपको कोई और जुमला पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। फायदा, सेब फायदेमंद फल है या सेब से फायदा हासिल होता है। हाफजा, बादाम खाने से हाफजा तेज होता है। अकलमंद, अकलमंद बच्चे सेहतमंद गिजा खाते हैं। खूबियां, अल्लाह ताला ने हर फल में बहुत सी खूबियां रखी हैं। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको जुमले बनाना सिखाए, आप भी इसी जैसे मिलते जुलते दूसरे जुमले बना सकते हैं। अब आइए किताब की अगली मश्क की तरफ चलते हैं। ये कवायद का हिस्सा है। खत्ते कशीद अल्फाज की अज़दाद लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। आप देखेंगे कि अज़दाद के इस्तेमाल से जुमलों के मायने बिल्कुल उलट हो जाएंगे। जैसे सूरज दिन में नजर आता है, इसकी हम कैसे अज़दाद बनाएंगे, यानी जिद कैसे बनेगी? चांद रात में नजर आता है, सूरज की जिद चांद हो गई और दिन की जिद रात हो गई। इसी तरीके से आपको नंबर एक, दो, तीन, चार और पांच में दिए हुए जुमलों को आपको जिद, उसकी जिद बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? पहला जुमला है, अकलमंद बच्चे फायदे में रहते हैं। इसकी क्या जिद बनेगी? बेवकूफ बच्चे नुकसान में रहते हैं। नंबर टू यानी नंबर दो, गर्मियों की रातें छोटी होती हैं। इसकी जिद है, सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं। नंबर तीन, रात के वक्त अंधेरा होता है, दिन के वक्त उजाला होता है। रात की जिद क्या हुई? दिन। और अंधेरा की जिद क्या हुई? उजाला। इसी तरह नंबर दो में गर्मियों की जिद सर्दियों और छोटी की जिद बड़ी, अकलमंद की जिद बेवकूफ और फायदे की जिद नुकसान। आइए नंबर चार जुमले की तरफ चलते हैं। झूठे इंसान की जिल्लत होती है, सच्चे इंसान की इज्जत होती है। नंबर पांच, पहला सवाल बहुत आसान है, दूसरा सवाल बहुत मुश्किल है। आज आपने अल्फाज की अज़दाद यानी अल्फाज की जिद बनाना सीख ली होगी। प्यारे बच्चों, अब आइए अगली मश्क की तरफ चलते हैं।
प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको बहुत सी चीजें नजर आ रही होंगी। इसमें दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं जिनका नाम सारा और अहमद है। कायदे आजम का मजार भी नजर आ रहा होगा, दरख्त, कौवे, चील, हरी घास, फूल, आसमान नजर आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताती हूँ कि इसम क्या होते हैं। आप जानते हैं किसी चीज, जगह या इंसान के नाम को इसम कहते हैं। मसलन अली, कराची और बस्ता। तस्वीर को गौर से देखकर 8 इसम तलाश करके लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस मशक में 1 से लेकर 8 नंबर दिए गए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें नंबर में आपको इसम उस तस्वीर में से देखकर लिखने हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताई और दिखाई थी। नंबर 1 में आप कायदे आजम का मजार भी लिख सकते हैं, नंबर 2 में सारा, नंबर 3 में अहमद, नंबर 4 में कव्वे, नंबर 5 में दरख्त, नंबर 6 में पौधे, नंबर 7 में घास और नंबर 8 में फूल भी लिख सकते हैं। अब आइए इस सबक की नीचे वाली मश्क की तरफ चलते हैं। गौर से इस मश्क को देखिए। इसम की 2 इकसाम होती हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। आइए अब हम आपको इसमें मार्फा की तारीफ बताते हैं। किसी खास चीज, जगह या इंसान के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। मसलन कमाल, लाहौर और कुरान मजीद। आइए अब हम इसमें नकरा की तारीफ करते हैं। किसी आम चीज, जगह या इंसान के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, शहर और किताब। अब देखिए नीचे आपको इसमें मार्फा का कॉलम नजर आ रहा होगा और इसमें नकरा का भी कॉलम नजर आ रहा होगा। इससे ऊपर आपको बहुत सारे इसमें मार्फा और इसमें नकरा दिए गए हैं। आपने इन इसमें मार्फा और इन इसमें नकरा को चुनकर, इसमें मार्फा को चुनकर इसमें मार्फा के कॉलम में लिखना है और इसमें नकरा के कॉलम को चुनकर इसमें नकरा को चुनकर इसमें मार्फा इसमें नकरा के कॉलम में लिखना है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि इसमें मार्फा कौन कौन से हैं। फैसल मस्जिद, कराची, आम, मोहम्मद अली जिना, गुलाब। ये तो हुए इसमें मार्फा। अब आइए इसमें नकरा के कॉलम की तरफ चलते हैं। इसमें नकरा स्कूल, फल, दरा, तालिबेल, मुल्क। ये हैं इसमें नकरा। और इससे पहले मैंने आपको इसमें मार्फा बताए थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम मशकें अच्छे से समझ आ गई होंगी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।